पाटोदा बठोट कस्बे में रविवार को एमएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल बठोट में माधव प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 650 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ। उसमें कुल 524 बच्चे परीक्षा में बैठे। स्कूल के निदेशक नाथूलाल शर्मा ने बताया, परीक्षा बच्चों के लिए काफी फायदेमंद होगी। भविष्य में आने वाले सरकारी सेवा के एग्जाम का जो डर बच्चों में रहता है, उससे भी बाहर निकलने में काफी सहायता मिलेगी। विद्यालय के प्रबंध निदेशक कृष्णकांत शर्मा ने बताया, अब ये परीक्षा प्रतिवर्ष आयोजित की जाएगी। परीक्षा का परिणाम 5 जून को घोषित होगा। पारितोषिक वितरण समारोह 18 जून को रखा जाएगा। जी, आज आपको हम लेकर चलते हैं सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील के एक छोटे से गांव बठोट में, और बठोट गांव में स्थित माधव सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हो रहे आज माधव प्रतिभा खोज परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टर सर से, मैनेजिंग डायरेक्टर सर से मैं निवेदन करना चाहूंगा, सर आपके मन में कैसे ये विचार आया कि मैं स्कूल में माधव प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करवाऊं? जी, बहुत अच्छा सवाल आपका। एक दिन जब मैं बैठा था, तब मेरे मन में विचार आया कि क्यों न एक ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों की प्रतिभा को परखने के लिए कुछ नया ऐसा किया जाए, जिसमें बच्चों को कुछ नया सीखने को मिलेगा और बच्चे आगे आने वाली कंपटीशन एग्जाम का जो बच्चों के अंदर भय बना रहता है, वो इस एग्जाम के माध्यम से वो भय उनके अंदर से निकलेगा। सर, आपने जो माधव प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया है, उसमें आपको कितने बच्चे परीक्षा देने के लिए आज यहाँ आए? जी, हमने रजिस्ट्रेशन लगभग ये 5 मई से स्टार्ट किया था। उसमें हमने लगभग ये कोशिश की थी कि अपने स्कूल से और प्लस बाहर के बच्चे मिलके 300 बच्चे इस एग्जाम में बैठे कम से कम। लेकिन आज उम्मीद से परे काफी बच्चे, जो नए बच्चे जिन्होंने आज स्कूल में आके नया रजिस्ट्रेशन करवाया है, वो बच्चे भी टोटल मिला के लगभग संख्या 500 से ऊपर निकल चुकी है। और अभी आंकड़ा पूरे एग्जाम होने के बाद पता चलेगा, लेकिन सारे स्कूल के जो क्लासरूम है वो बच्चों से खचाखच भर चुके हैं, तो बहुत अच्छी खुशी महसूस हो रही है।